स्वागत है, मैं वीरेंद्र गुप्ता। इस वक्त जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा नजदीक हो रहा है, वैसे वैसे तमाम राजनीतिक दलों में सक्रियता देखने को मिल रही है। विधानसभा अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, मझवा विधानसभा अध्यक्ष, और हम इनसे सीधे जानना चाहेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी। जी जी, बहुत बहुत। क्या आपको लगता है कि अब चुनाव जातिगत राजनीति पर ज्यादा हो रहा है? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की जहाँ तक हम लोगों का अभी तक का अनुमान है और अनुभव रहा है, उत्तर प्रदेश में जाति आधार पे ही चुनाव संपन्न होते रहे, क्योंकि विकास के नाम पे यदि चुनाव होता तो हमारे मुख्यमंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश भैया जी कभी चुनाव हारते ही नहीं। तो कहीं ना कहीं जाति चेहरे पे आज भी उत्तर प्रदेश की राजनीति है, और सर्व समाज को जोड़ने का काम, सारे समाज के लोगों को जोड़ने का काम ये हमारी पार्टी कर रही है, और इसी के तहत जनसंवाद कार्यक्रम में सारे समाज के नेताओं को अपने अपने समाज के बीच में भेजा जा रहा है कि वो समाजवादी पार्टी की नीतियों को अपने अपने समाज में बताएं और अपने अपने समाज को जोड़ें, जिससे कि समाजवादी पार्टी को मजबूती मिले। सर, एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, अगर मान लीजिए आपके मुताबिक डॉक्टर विनोद कुमार बिंद को समाजवादी पार्टी मझवा से उतारती है, तो पुष्पलता बिंद अगर BSP से आती है, तो दोनों आपको लगता नहीं कि बिंद बट जाएंगे और तीसरी पार्टी विजयी हो जाएगी? नहीं, हमको नहीं लगता, क्योंकि जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी की एक आंधी, एक लहर चल रही है, तो बिंद समाज भी देखेगा कि किसकी सरकार बनने की संभावनाएं हैं, कौन शासन सत्ता के ज्यादा नजदीक है, तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसका असर ये होगा कि वो ज्यादा से ज्यादा लोग समाजवादी पार्टी में यदि प्रत्याशी होते हैं तो उनके पक्ष में वोट करने का काम करेंगे, मतदान करने का काम करेंगे। तो इस बार आप जो चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, वो जाति मतगणना के आधार पर आपका प्रमुख फोकस है? देखिए, समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है, हमारी पार्टी के जन्म के समय डॉक्टर लोहिया जी जो कि वैश्य समाज थे, जयेश्वर मिश्रा जी ब्राह्मण समाज से थे, माधवी मोहन सिंह जी जो ठाकुर समाज से थे, सारे समाज के लोग आज से नहीं, आदिकाल से समाजवाद की जो प्रकाष्ठा रही है, चाहे नेताजी के समय से ही, तो हम सर्व समाज को लेकर साथ चलने का काम करते हैं। सर्व समाज में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक नारा दिया है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो उस नारे को सिद्ध करने के लिए हर समाज के लोगों को टिकट दिया जाएगा, सारे समाज के लोगों को उनका जितना उनकी आबादी है उनकी आबादी के हिसाब से सम्मान देने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी करने जा रहे हैं, और वह जो सम्मान है वह टिकट वितरण से लेकर अगर सरकार बनती है तो सरकार में भी उनको सम्मान देने का काम किया जाएगा। यह चीज आपको जैसे ही टिकट की लिस्ट मिलेगी आप उसमें आपको यह परिलक्षित होने लगेगा कि सारे समाज के लोगों को सम्मान दिया जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से बेबाकी से अपनी बात आज नेताजी ने रखा है, निश्चित रूप से आगामी विधानसभा चुनाव में इसका कितना परिणाम वोट में तब्दील होता है देखना दिलचस्प होगा। मिर्जापुर से TV100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।